गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे इज 30th अक्टूबर ऑन डे फ्राइडे. सो वी स्टार्टेड द न्यू टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. और रेजिस्टेंस जिवें आपां सीरीज च कीता सी उस दिन, अज असी जो टॉपिक करन चाह रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो वट इज दैट? नाउ लेट इज कंसाइडर द अरेजमेंट ऑफ थ्री रेजिस्टर्स जॉइंट इन पैरेलल. सो कहिंदे एक थ्री रेजिस्टर्स आ जो पैलर कंडीशन च जॉइंट हैगे ने, कंबीनेशन ऑफ विद द कंबीनेशन ऑफ सैल्स. ठीक है, सैल्स नाल लगे हुए ने एंड बैटरी अटैच है. सो लेट्स फर्स्टली ड्रॉ दिस डायग्राम. सो तुसी फर्स्ट जिवें सीरीज ड्रॉ की थी, सिमिलरली तुसी एडी डायग्राम ड्रॉ करोगे. सो दिस इज अ वन रेजिस्टेंस वन. सो रेजिस्टेंस टू एंड रेजिस्टेंस थ्री. बिकॉज उन्होंने क्या वा कि रेजिस्टेंस नो केड़ी किच लगाना है, पैलर च लगाना है. आफ्टर दैट वोल्टामीटर अटैच करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेयर करता है. ठीक है, नाउ बाय यूजिंग वायर सेल कनेक्ट करते हैं, कंबीनेशन ऑफ सेल. ठीक है, देन की अटैच करते हैं जो करंट नू अलो करेगी. एंड दैन एम मीटर जो करंट मेयर करेगा किना करंट हो पास आउट हो रहा है. ठीक है, सो आई मूव करेगी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. बिकॉज अगर एक इतों करंट ऑन हो रहा है बैटरी तो इस डायरेक्शन होएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज कहते इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट आए टोटल इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट आए इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कंबीनेशन. वह कहते टोटल करंट जड़ा है वा वह सम अप होगा इस समोल करंट्स का. मतलब कहने का मतलब आ कि जिवें सीरीज दे विच हैगा सी उत्थे स्प्लिट नहीं करता सी करंट. इत्थे अगर आई करंट इत्थों जा रहा है तो इत्थे अगे थ्री वायर्स आ गई, सो थ्री वायर्स स्प्लिट कर गया आई वन आई टू आई थ्री. एक करंट आई किदे च स्प्लिट करेगा आई वन आई टू आई थ्री. इट मीनस के टोटल करंट किन्ना होगा अगर इन्हां तिन्हां नूं मैं प्लस कर दूंगा. सो लैट्स दे के इन्हूं मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दिंदी हां वन. सो लैट्स आर वी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कंबीनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो आर वी नूं तुसी मान लो कि थोड़ा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कंबीनेशन हैगा. सो बाय अपलाइंग ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ की कहिंदा है? सो ओम्स लॉ सेड दैट by applying Ohm's law I equal to V by RP. R is the resistance in parallel. So Ohm's law ए कहता है. ठीक है, I is equal to V by RP. So हुण on applying Ohm's law to each resistor R1 R2 ते इनू apply कर दू. R1, R2, R3 थ्री ते अप्लाई कर दो. सो I दी जगह की आजूगा I1, V वी सेम रहेगा, V चेंज नहीं होएगा. एक ही आ गया R1, सिमिलरली I2, V by R2, सिमिलरली I3, दैट इज V by R3. ये आ गई इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर. ओके, नाउ पुट दीज इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर वन. सो पुट द इक्वेशन टू थ्री फोर इन इक्वेशन वन बंच पुट कर दो. सो ये क्या आ जाएगा थोड़े को, दैट इज आई की जगह क्या आजूगा, आई की जगह आजूगा वी बाय आर पी, आई वन की जगह वी बाय आर वन, आई टू की जगह वी बाय आर टू, आई थ्री की जगह वी बाय आर थ्री. ठीक है, सो हुण इत्थे की कीता जा रहा है V by RP. सो इत की कॉमन सेम जा रहा है V. सो इत की कॉमन ले लेंगे आप V. सो यह गया वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री. ठीक है, सो हुण जड़ा V इत मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके की हो जूगा डिवाइड. सो अवली साइड सेम आ जाएगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड. देन वी ना वी कैंसिल लेके आ गया वन बाय आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री. सो दिस इज द रेजिस्टेंस इन पैरेलल.
ठीक है। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल दी डेरिवेशन है ये बेटा डायग्राम आ ठीक है नाल डेरिवेशन है एंड एट लास्ट तुसी इहदे विच सिमिलरली थ्योरेटिकल भी लिखोगे ठीक है। सो बाय अपलाइंग ओम्स लॉ वगैरह ठीक है सब कुछ तुसी उहदी स्टेटमेंट डेफिनेटली विच लिखोगे देन आफ्टर दैट देयर इज अ न्यूमेरिकल 12.18 ठीक है 12.18 न्यूमेरिकल आ। सो इज अ इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम 10 ओम 30 ओम। सो कहंदे कि मान लो कि साडे कोल एक रेजिस्टर्स आ ओदे R1 दी वैल्यू हैगी आ 5 ओम R2 दी वैल्यू हैगी आ 10 ओम एंड R3 दी वैल्यू हैगी आ 30 ओम। सो विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सो ओदे कोल बैटरी किन्नी हैगी आ वोल्ट किन्नी हैगी आ 12 वोल्ट। सो कैलकुलेट अ करंट थ्रू ईच रजिस्टर ठीक है। सब तो पहला असी की कैलकुलेट करना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर हर रजिस्टर R1 R2 R3 च किन्ना करंट निकल गया दैन टोटल करंट कढ़ना है असी एंड आफ्टर दैट द टोटल सर्किट रजिस्टेंस कढ़ना है। सो साडे कोल जो गिवन असी ओ इहनू ठीक है न्यूमेरिकल दा असी गिवन पार्ट असी लिख लिया। सो नाउ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਓਮਸ ਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਓਮਸ ਲੋ ਸੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਬਾਈ R1 ਅਗਰ R1 ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ वी बाय I1 सॉरी अगर रेजिस्टेंस 1 आ तो I1 कट रहे हो। सो I1 किन्ना आएगा V किन्ना है साडे कोल दैट इज 12 R1 किन्ना है 5 ठीक है। सो I1 साडे कोल किन्ना आ गया दैट इज 2.4 एम्पीयर। सिमिलरली अगर I1 कढ़िया तो सिमिलरली I2 भी कट लो I2 V बाय R2 बिकॉज I2 करंट है तो रेजिस्टेंस सैकेंड हो गया। सो सेम ए सेम रहेगा साडे कोल दूसरा की हैगा दैट इज 10 ओम देन I2 दा आंसर किन्ना आ गया साडे कोल सो I2 दा आंसर आ गया दैट इज 1/2 एम्पीयर। एम्पीयर जेड़ा यूनिट हैगा करंट दा ठीक है। सो आफ्टर दैट I3 फाइंड आउट कर लो I3 सेम V बाय R3 सो V ठीक है 12 वोल्ट आ गया एंड आफ्टर दैट R3 किन्ना है साडे कोल 30 ओम ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.4 ਐਮਪੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ I3 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ I1 ਕੱਢ ਲਿਆ I2 ਕੱਢ ਲਿਆ I3 ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੱਢੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ R1 ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ R2 ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ R3 ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਸਮ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਕਰ ਦੋ। I1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ 2.4 ਐਮਪੀਅਰ ਦੈਨ 1.2 ਐਮਪੀਅਰ ਪਲੱਸ 0.4 ਐਮਪੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ 4 ਐਮਪੀਅਰ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਸੀ ਪਾਰਟ ਕਿਆ ਹੈ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਕਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ RP ਕੱਢਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ RP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ RP 1/RP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/R1 ਪਲੱਸ 1/R2 ਪਲੱਸ 1/R3। ਸੋ 1/RP ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੋ 1/R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 5 ਠੀਕ ਹੈ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10 R3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 30 ਠੀਕ ਆ ਦੈਨ 1/RP। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਓਮ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 12.9 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।